आगामी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर आज यानी 25 जुलाई को PGYM के तत्वाधान में विशाल मशाल जुलूस का आयोजन किया गया। इस दौरान महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल मिश्रा, प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा, BJYM प्रदेश प्रभारी नेहा जोशी, जयपुर शहर जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पुरुवंशी समेत भारी संख्या में पार्टी एवं BJYM पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पेरिस ओलंपिक इस बार 26 जुलाई से शुरू होंगे जो 11 अगस्त तक चलेंगे। इस दौरान 200 से भी ज्यादा देश भाग ले रहे हैं। इसमें भारत के 117 एथलीट 16 खेलों में भाग लेने वाले हैं जो दहाई के आंकड़े में मेडल जीत का इतिहास रचना चाहेंगे। मगर ओलंपिक के आगाज से ठीक एक दिन पहले महिला और पुरुष तीरंदाजी टीम ने धमाल मचा दिया है। फॉर्म में चल रहे धीरज बोमा देवरा और अंकित भगत के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत ने पेरिस ओलंपिक में अपने अभियान का सुनहरा आगाज किया। तीरंदाजों ने पुरुष और महिला वर्ग के क्वार्टर फाइनल में सीधे प्रवेश कर लिया। भारतीय पुरुष टीम रैंकिंग दौर में तीसरे और महिला टीम चौथे स्थान पर रही। धीरज और अंकिता के शानदार प्रदर्शन के बदौलत ही भारतीय तीरंदाजी मिक्स्ड टीम ने भी सुपर 16 में जगह पक्की कर ली है। दिल्ली शराब नीति केस में सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। साथ ही राउज रेवेन्यू कोर्ट की तरफ से पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, BRS नेता के कविता की न्यायिक हिरासत भी 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, BRS नेता के कविता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट में पेश हुए, जबकि दिल्ली शराब नीति से जुड़े CBI के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत राउज रेवेन्यू कोर्ट ने 8 अगस्त तक बढ़ा दी है। CBI मामले में भी अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे। राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल और दरबार हॉल का नाम बदला गया। दरबार हॉल अब गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल अशोक मंडप के नाम से जाना जाएगा। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 2 वर्ष पूरे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने आज केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार ने टैक्स लगाकर आम आदमी का खून चूसा है। साथ ही उन्होंने संसद में महाराजा रणजीत सिंह जी के शाही सिंहासन को वापस लाने की मांग की, जो वर्तमान में लंदन के विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय में रखा हुआ है। भारत सरकार से यूनाइटेड किंगडम के साथ अपने राजनयिक संबंधों को आगे बढ़ाने का आग्रह किया। इसी तरह देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए फ्रीडम न्यूज के साथ।